हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के साथ ब्रेड वाली खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ब्रेड वाली खीर मतलब आप लोग हैरान मत होइए। वैसे तो खीर बहुत टाइप के बनते हैं, चावल के खीर बनते हैं, साबूदाने के बनते हैं या फिर बहुत टाइप के बनते हैं, बट आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी मुझे लगती है। आप लोग मेरी रेसिपी देखो, आप लोग ट्राई करो, शायद आप लोग को भी अच्छी लगे। तो इस ब्रेड वाली खीर की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाफ लीटर के करीब दूध लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा दूध और ये रही ब्रेड। मार्केट की फ्रेश ब्रेड लिए हैं हमने, बहुत ही सॉफ्ट है ब्रेड। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं ब्रेड वाली खीर। हमने यहाँ पे दूध को गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया है, और दूध जब तक गर्म हो रही है तब तक हम ब्रेड को पहले तोड़ लेते हैं। ब्रेड को तोड़ लेते हैं मतलब ब्रेड के हमारे छोटे छोटे पीसेस करने हैं। देखिए, ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर देंगे ब्रेड में। तो देखिए, चारों पांचों ब्रेड को हमने ऐसे छोटे पीसेस किए हैं। तो ब्रेड यहाँ रेडी हो गई है और दूध भी यहाँ गर्म होने शुरू हो गई है। तो देखिए, दूध में उबाल आने लगी है। तो एक बार अच्छे से दूध में उबाल आ जाए फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एक बार दूध को अच्छे से चला लेंगे। ये ब्रेड वाली खीर की रेसिपी इतनी टेस्टी और यम्मी लगती है ना कि आपको चावल की खीर भी फीकी लगेगी। तो देखिए, दूध हमारी अच्छे से यहाँ उबल चुकी है। 5 मिनट तक ऐसे ही हाई फ्लेम पे दूध को बॉईल करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। तो देखिए, 5 मिनट हमने दूध को ऐसे ही पकाया फुल गैस फ्लेम में। अब यहाँ पे ब्रेड के जो पीसेस हैं उसे हम दूध में डाल देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी लुकिंग लग रही है। एक बार हल्के चम्मच से इसे चला लेंगे, ज़्यादा मतलब प्रेशर देके नहीं चलानी है, नहीं तो सारी ब्रेड हमारी टूट जाएंगे। तो देखिए, हमने हल्के प्रेस करके दबा दिए हैं सारे दूध में, और यहाँ हमने स्वाद अनुसार चीनी ऐड कर लिया है। फिर उसे ऐसे ही दबाना है चम्मच के थ्रू, ज़्यादा प्रेशर नहीं देनी है ब्रेड पे। तो देखिए, चीनी भी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे एक अच्छे से उबाल आ जाएगी जब खीर में, तब हम लोग गैस फ्लेम ऑफ करेंगे। वैसे तो दूध गर्म ही थी, ज्यादा देर नहीं लगेगी उबाल आने में। एक बार फिर हमें चला लेंगे ताकि चीनी सभी तरफ अच्छे से घुल जाए। तो देखिए, एक बार अच्छे से उबाल आ गई है, अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो देखिए, यहाँ ब्रेड वाली खीर बनके रेडी हो गई है। बिना कोई झंझट, बिना कोई झमेला, बिना कोई टाइम लगे ये ब्रेड वाली खीर बनके रेडी हो गई है। बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हुई है। देखिए कितनी अच्छी देखने में लग रही है। यकीन मानिए, ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फेवरेट होने वाली है। या तो बच्चों को इसे रोटी से खिलाइए या फिर बिना रोटी से खिलाइए, बच्चे बहुत पसंद करेंगे ये रेसिपी, ये दूध वाली ब्रेड की खीर। तो यहाँ दूध वाली ब्रेड की खीर बनके रेडी हो गई है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें